हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लिनिकल टिप एक होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करती है थेरेपेटिक बेसिस पर भी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर भी। हमारी आज की मेडिसिन है कैल्केरिया कार्बोनिका, इसको कैल्केरिया ऑस्टुयारम इस नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए एब्रिवेशन यूज किया जाता है इन जनरल CALC। ठीक, इसका कॉमन नेम है कार्बोनेट ऑफ लाइम। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स विलियम बोरिक सर के अकॉर्डिंग, देन हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपने बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स विलियम बोरिक सर के अकॉर्डिंग। तो ये जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको डॉक्टर हैनमैन सर ने खुद से प्रूव किया था। ठीक है, और ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। इसका मेन एक्शन जो है वो देखने को मिलता है वेजिटेटिव स्फीयर के ऊपर। अगर किसी पेशेंट में इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, और ये उसका की नोट एक्शन है। ठीक है, जैसे कि ग्लैंड्स हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, वहाँ सब पर अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं या फिर बहुत स्लो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की वजह से, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है कैल्केरिया कार्ब का, तो उसमें इंक्रीज लोकल और जनरल परस्पायरेशन देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स में स्वेलिंग मिल सकती है, स्क्रॉफलेस और रेकेक्टिक कंडीशंस जो होती हैं वो हम लोग को कैल्केरिया की तरफ इंडिकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ, इसमें फ्यूचर में थीसिस होने की चांसेस हैं, मतलब इंसिपिएंट थीसिस का केस है, तब भी हम लोग आर्सेनिक और ट्यूबरक्लाइनम की तरह से कैल्केरिया कार्ब के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अगर उस पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि टिकलिंग कफ हो गया, फ्लीटिंग चेस्ट पेन्स हैं, नोजिया, एसिडिटी, या फिर पेशेंट जो है उसमें डिसलाइक मिल रहा है फैट के लिए, ये एकदम मार्क्ड है, तब हम लोग कैल्केरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी आसानी से वो थक जाता है और इससे बहुत आसानी से उसकी सांस फूलने लगती हैं। ठीक, तो थोड़ा सा भी काम किया तुरंत थक गया, ऐसे वाला जो पेशेंट होता है वो कैल्केरिया कार्ब होता है। इसमें जो पेशेंट है, इसमें देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि अगर जेडेड स्टेट मिलती है मेंटल या फिर फिजिकल लेवल पर, ओवरवर्क की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा काम करता है, इस वजह से उसमें अगर एक कंडीशन आ रही होती है, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। जो एब्सेस होता है वो अगर डीप मसल में प्रेजेंट है, पॉलीपी या फिर एग्जॉस्टोसिस की कंडीशन है, पिट्यूटरी और थायराइड डिसफंक्शन है, तब भी हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। जो पेशेंट होता है उसमें ब्लड कॉगुलेबिलिटी का जो अमाउंट है वो लेवल जो है वो रेज्ड रहता है, इसी तरह का सिम्टम हम लोग को स्ट्रॉन्शियम मेडिसिन में भी मिल सकता है। ये डिफरेंट स्टिमुलेंट होती है पेरिओस्टियम के लिए। ठीक है, अगर तो वहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या डीजेनरेटिव चेंजेस मिल रहे हैं, तब हम लोग कैल्केरिया कार्ब के बारे में भी सोच सकते हैं। ये एक हीमोस्टैटिक की तरफ से है और ये क्या काम करती है, अगर इसको जिलेटिन इंजेक्शंस में मिला दिया जाता है तो ये उनमें भी थोड़ी सी अपनी पावर प्रोवाइड कर देती है। इजी रिलैप्सेस देखने को मिलते हैं, इंटरप्टेड कॉन्वल्सेंस अगर हो रहा है किसी भी पेशेंट में, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। जो पेशेंट होता है कैल्केरिया का आपका, वो मोस्टली स्क्रॉफलेस टाइप के होता है, उनको काफ़ी आसानी से ठंड लग जाती है, म्यूकस सेक्रीशंस जो है वो इंक्रीज रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत आसानी से फैटी होने की जो टेंडेंसी मिलती है, जैसे कि उनमें लार्ज बेली मिलेगी, लार्ज हेड होगा, और क्या होगा, पेल स्किन रहेगी, चौकी लुक रहेगा। तो इसको हम लोग जो कि जनरली यूज करते हैं इंक्लेटम, ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और जो पेशेंट है, क्योंकि वो स्क्रॉफलेस डायथेसिस का है, तो अगर वो पानी में थोड़ा सा भी काम करता है तो काफ़ी आसानी से प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है कोल्ड के लिए, पार्शियल स्वेट्स मिलते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें एग्स के लिए क्रेविंग मिलती है, ये मार्क्ड होता है इसमें। वो कुछ भी खा लेते हैं, डर्ट हो गया या फिर कोई भी इनडाइजेस्टिबल थिंग, जिसके लिए हम लोग पी का टर्म यूज़ करते हैं, तो वो ये काम करते हैं। ठीक, और इन सब की वजह से क्या होगा, जब उल्टा फुल्टा खाएंगे तो इसकी वजह से उनमें डायरिया की टेंडेंसी देखने को मिलती है। जो कैल्केरिया का पेशेंट है उसको मोस्टली ऐसे देख करके ही आप पहचान सकते हैं, वो फैट, फेयरी और फेयर और फ्लैबी टाइप का होता है। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी और कोल्ड, डैम्प और सोर कंडीशन प्रेजेंट रहेगी, तब हम लोग कैल्केरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल टिप्स वाले पोर्शन पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इतना वीडियो देखा और अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो आइए इसके क्लिनिकल टिप्स देख लेते हैं। तो कैल्केरिया ये जो मेडिसिन है, इसको डिलेड माइलस्टोन्स के केस में, मेनियस डिजीज के केस में और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के केस में दिया जा सकता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। डिलेड माइलस्टोन्स के केस में डॉक्टर JH क्लार्क के अकॉर्डिंग, अगर कोई पेशेंट है, कोई छोटा
बच्चा है वो काफ़ी देर से चलना सीख रहा है और बच्चा जो है थोड़ा सा देखने में फैटी लुक दे रहा है, तब उनके अकॉर्डिंग जो कैल्केरिया कार्ब है वो 6CH पोटेंसी में 4 आवरली इंटरवल्स पर अगर दिया जाए तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट शो करती है। और अगर जो बच्चा है वो पतला सा है और प्यूनी टाइप का है तब साइलिशिया 6CH के बारे में हम लोग सोच सकते हैं और उसको भी 4 आवरली इंटरवल पर दिया जा सकता है। अगर थिसिकल बच्चा है तब वैसलिनम 30CH इस मेडिसिन को 1 बार वीक में रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर JH क्लास सर के अकॉर्डिंग से क्लिनिकल टिप। अब डॉक्टर श्वार्ट्स के अकॉर्डिंग मेनियस डिजीज में देख लेते हैं। तो अगर कोई भी मेनियस डिजीज का केस है तब हम लोग कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन को एक बार कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन तक हो जाती है कैल्केरिया कार्ब हैनिमेनाई मेनियस डिजीज के केस में, ठीक। JC बर्नेट के अकॉर्डिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड का केस हो गया है उसमें भी अगर कोई पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है स्पेशली तब हम लोग इस कैल्केरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं, और अगर वही फाइब्रॉइड जो है वो सेसाइल टाइप का है तब हम लोग कैल्केरिया फॉस के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर यूज़ करी जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।